हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुशील टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो 8 का सेटअप कैसे करते हैं। आपको विंडो 8 का सेटअप करने के लिए चाहिए बूटेबल मीडिया, चाहिए आपको जो आपका USB में भी हो सकता है, DVD में भी हो सकता है। ड्राइव को, USB पेन ड्राइव को आपको अपने डेस्कटॉप में डालना पड़ेगा। पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद आप अपना पहले बूट मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। बूट मेन्यू सिलेक्ट करने के लिए आपको, सब कंप्यूटर में अलग अलग होता है, किसी में F10 से जाता है, किसी में F12 से जाता है, किसी में F9 से जाता है, किसी में एस्केप की दबाने से जाता है। तो आपका जो भी है, बूट मेन्यू में जाने का ऑप्शन हो सिलेक्ट करके आप अपने बूट मेन्यू में जाएंगे। बूट मेन्यू में जाने के बाद आप, अगर आपने पेन ड्राइव डाली है तो आप USB मीडिया, अगर आपने DVD डाली है तो आप DVD मीडिया सेलेक्ट करेंगे। DVD मीडिया सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेटअप शुरू हो जाएगी। सेटअप शुरू होने के बाद सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आया है, ये है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। आप देख रहे हैं विंडो 8 का ऊपर लोगो है और इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं जो इसमें इंग्लिश में ही करना है तो मैं कुछ इसमें छेड़खानी नहीं करूँगा, इसको नेक्स्ट कर दूँगा। आप भी इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको सिर्फ सीधा नेक्स्ट कर देंगे। ये मैंने नेक्स्ट किया इसमें। अब इसमें ऑप्शन आया है इंस्टॉल नाउ। जब आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और सेटअप शुरू कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन आ रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। अब मेरे पास जो DVD है इसमें तकरीबन सारी विंडो 8 के सारे सेटअप डले हुए हैं। हो सकता है आपके पास जो DVD हो उसमें एक या दो ऑप्शन हो, या एक भी ऑप्शन, सिर्फ सिंगल ऑप्शन हो, तो ये विंडो आपके पास आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ये ऑप्शनल है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में 4 GB या उससे कम रैम है तो आपको X86 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और X64 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। X86 मतलब 32-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 4 GB से ज़्यादा रैम को सपोर्ट नहीं करता है। और X64 यानी कि 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जितनी मर्जी रैम, जितनी आपकी मदरबोर्ड सपोर्ट करता है उतनी रैम ये सपोर्ट करता है। तो अगर आपका 4 GB से कम रैम है तो 32-bit भी डाल सकते हैं, 64-bit भी। अगर आपके पास 4 GB से ज़्यादा रैम है तो आपको 64 सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी मैं 64-bit सिलेक्ट करके, मेरे पास विंडो 8 प्रो का लाइसेंस है तो मैं विंडो 8 प्रो को सिलेक्ट करके ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है आपके पास लाइसेंस टर्म्स का, ये विंडो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है। इसको आप, अगर आपके पास टाइम है तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की, जब आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदा है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि ये सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रॉपर्टी है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको इसको यूज़ करने के लिए लाइसेंस दिया है, ना कि इसको किसी को बेचने के लिए दिया है, इस टाइप की इसके अंदर है। तो आपको पढ़ लेना चाहिए और आप इस एग्रीमेंट को सिलेक्ट कर, इस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करने का मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की टर्म एंड कंडीशन से पूरी तरह से एग्री करते हैं और ये इसको सिलेक्ट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने, मैंने अभी इसको एक्सेप्ट को सिलेक्ट कर दिया है और मैंने नेक्स्ट किया। अभी इसमें अगला ऑप्शन आया है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वॉन्ट। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है अपग्रेड का। अपग्रेड का ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपकी पहले से विंडो 7 डली हुई है, आपको बिना डेटा लॉस किए सेटअप चलानी है, तो आप इसको, आप विंडो 7 को विंडो 8 से अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपको अपग्रेड करना है। अगर आपका न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, आप कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप इसमें कस्टम वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कस्टम वाला सेलेक्ट करके, ये मैंने कस्टम वाला सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब
जो अगला ऑप्शन है वो है आपकी हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन का। अभी इसमें हार्ड ड्राइव आप देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है ड्राइव जीरो अन अलोकेटेड स्पेस, यानी कि आपकी 60 GB की हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आपकी 500 GB की भी हो सकती है, 1 TB की भी हो सकती है। तो अभी उसमें स्पेस तो है मगर वो अभी अलोकेटेड नहीं है कि उसको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइव ऑप्शन, ड्राइव ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको इसमें पार्टीशन करना है, एक पार्टीशन करना है, एक दो करने दो, तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, आपको जितना पार्टीशन करना है, मैं अभी एक सिंगल पार्टीशन कर रहा हूँ, मैं इस पर अप्लाई करूँगा, इसको ओके करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि अब इसमें दो पार्टीशन हो गए हैं। ये दो पार्टीशन इसलिए हुए, एक्चुअली हुआ ये एक ही पार्टीशन है, दो पार्टीशन इसलिए हुए हैं कि एक पार्टीशन जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये 350 MB का किया, किसी में 500 MB का करता है, किसी में 1000 MB का करता है, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एडिशनल पार्टीशन करता है। इसमें सिर्फ अपनी ये बूटेबल जो फाइलें होती हैं उसको स्टोर करके रखता है, और कुछ नहीं होता इसमें, आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम जो नेक्स्ट पार्टीशन है, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये फाइलों की कॉपी शुरू कर दी है इसने, ये आप देख रहे हैं कि इसके 1, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस हैं, जिसमें उसने एक प्रोसेस पूरा कर दिया है। दूसरा प्रोसेस जो है गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, ये एक सी ड्राइव के अंदर आपका एक टेम्परेरी फोल्डर बना देता है। टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें होती हैं आपकी USB ड्राइव से या DVD से, उसको टेम्परेरी उसमें कॉपी करता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, यूज़र्स में, विंडोज़ में, प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम डेटास में, जिस फोल्डर में जरूरत होती है उससे धीरे धीरे सेटअप करके कॉपी करता रहता है। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे 50% से ऊपर हो चुका है। यह आपके कंप्यूटर के हिसाब से, आपकी कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर आपकी साटा हार्ड डिस्क है तो नॉर्मली ये 15 मिनट से लेकर आधा घंटा का टाइम लगाएगा। अगर आपकी ड्राइव सॉलिड स्टेट है यानी कि SSD है तो ये थोड़ा और जल्दी करेगा सेटअप। अगर आपकी हार्ड डिस्क IDE है तो और थोड़ा स्लो करेगा। रैम के ऊपर भी डिपेंड करता है, मदरबोर्ड के प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओवरऑल सेटअप का जो टाइम है आपके हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर आपकी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही लोअर है तो कभी कभी ये 1 घंटा भी लगा देता है, मगर ये सब नॉर्मल है। अगर आपको ये सेटअप आपकी बिल्कुल आराम से हो गई है, नॉर्मली ये सेटअप पूरी आराम से ही होगी, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो USB मीडिया है वो ख़राब है, DVD ख़राब है, या आपकी रैम ख़राब है, या आपके मदरबोर्ड के कैपेसिटर वीक हो गए हैं जिसकी वजह से वो लोड नहीं ले पा रहा है, या पावर सप्लाई ख़राब है, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपकी सेटअप आराम से हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन लगभग कम्प्लीट हो गया है, अब इसका तीसरा प्रोसेस शुरू हो गया है। अब ये इस बीच में अपने आपके कंप्यूटर को कम से कम एक या दो बार रीस्टार्ट करेगा, तो इसका ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दें, वरना ये अपने आप 10 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये रीस्टार्ट हो चुका है, ये रीस्टार्ट होकर आपका सेटअप जहाँ से इसने रीस्टार्ट किया था वहीं से दोबारा शुरू कर देगा। अब इसके अंदर ऑप्शन आया है गेटिंग डिवाइसेस रेडी, यानी कि आपके कंप्यूटर के जो भी डिवाइस हैं उनको ये रेडी कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, और ये भी लगभग पूरा हो चुका है, ये 100% हुआ। अब आप देख रहे हैं कि सेटअप पूरा हो चुका है। अब इसमें कुछ पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कंप्यूटर नेम, पीसी नेम। तो अभी मैं पीसी नेम आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मैं इसमें एडमिन पीसी डाल रहा हूँ, एडमिन पीसी डाला मैंने। आप इसमें अपना पीछे का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो
मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कलर अलग अलग चेंज हो रहा है, आपको जो भी कलर पसंद है वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू है, इसी को मैं रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब ये सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप अपनी सेटिंग्स डाल सकते हैं। इसमें नॉर्मली यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स सेलेक्ट करते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। अब इसके अंदर विंडो 8 के अंदर ये नया ऑप्शन है कि आप इसको हॉटमेल के अकाउंट से, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी अकाउंट है उस अकाउंट के थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने, अगर आप अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आप मोबाइल की तरह, जैसे मोबाइल के अंदर आप डालते हैं कि एक किसी भी मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो आपका पूरा डेटा, जो मेन डेटा होता है वो आपके किसी भी मोबाइल में आ जाता है, इसी तरीके से इसमें भी आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको सेम डेस्कटॉप हर जगह शो करेगा। ऑनलाइन ऑप्शन में ये ऑप्शन है, और अगर आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर आपको बिना ईमेल अकाउंट के अगर लॉगिन करना है तो इसके अंदर वो भी ऑप्शन होता है साइन इन विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आप उसके बिना भी जैसे नॉर्मल विंडोज 7 के डेस्कटॉप पर वैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी मैं भी इसके अंदर साइन इन विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन करूँगा। अब इसके अंदर दो ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने, देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और लोकल अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो वही है जो मैं आपको बता रहा था, तो मैं इसको लोकल अकाउंट पर अभी सिलेक्ट करूँगा, लोकल अकाउंट बनाना है। अब ये वही जो सेम प्रोसेस होता है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, तो मैं यूज़र नेम में एडमिन डाल रहा हूँ, ADMIN, पासवर्ड में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आप पासवर्ड डाल सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड का जो हिंट है वो डाल सकते हैं ताकि आपके कोई कंप्यूटर को कोई और एक्सेस ना करे, और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आपकी सेटअप ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये विंडो 8 जो है विंडो 7 से थोड़ी सी डिफरेंस है, जैसे कि आप ये आपको ये ग्राफिक में दिखा रहा है, इसमें नॉर्मल डेस्कटॉप नहीं होता है, माउस को आप राइट हैंड साइड पर कॉर्नर पर लेकर जाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू आएगा, सर्च मेन्यू आएगा, वरना इसमें नॉर्मल जैसे मोबाइल के अंदर आइकॉन होते हैं उस टाइप से दिखेगा। अभी आप देखना आधे मिनट के अंदर अंदर आपका डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दूंगा जो बहुत ही एजुकेशनल होंगी, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको उसका जल्दी से जल्दी जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन भी करके दूंगा। अब इसका फाइनल प्रोसेस है इंस्टॉलिंग एप्स, ये सब हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ आ गया है, इधर आपका यूज़र आ गया एडमिन, और इधर डेस्कटॉप आ गया है। विंडो 8 के अंदर जैसे विंडो 7 के अंदर स्टार्ट का बटन होता है, इसके अंदर वैसे नहीं होता है, ये थोड़ा अलग तरीके का इन्होंने बनाया हुआ है। अब आप जैसे कि ग्राफिक में था कि कर्सर को साइड में लेकर जाएंगे तो सर्च का मेन्यू आएगा, पहले आप कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो देखते हैं, ये सर्च का ऑप्शन है, ये शेयर का ऑप्शन है, ये स्टार्ट मेन्यू है जो विंडो 7 में नीचे की तरफ आता है, ये डिवाइसेस है, ये सेटिंग्स है। तो मैं स्टार्ट में जाने के लिए यहाँ पर जाएंगे, और जैसे आपने देखा मोबाइल में आता है जैसे आइकॉन, वैसे ही आइकॉन आ गए हैं। डेस्कटॉप पर जाने के लिए आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, कुछ इसकी जो एडिशनल ऐप्स हैं, कैलेंडर, कैलकुलेटर, फोटोज़, वेदर, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक ये नया ऑप्शन जो है, आप एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आप
उसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं और अपने अकाउंट के पिक्चर वगैरह भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाएंगे वैसे वैसे साइड में आपकी ये जो बार है वो बढ़ती जाएगी। अभी तो आपके अंदर कुछ, अभी सिर्फ फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है। बस अब आपको इसके अंदर जो डिवाइस के ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने हैं, जो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं वो यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें शटडाउन के लिए ऑप्शन के लिए भी आपको कॉर्नर पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको पावर। इसमें पावर में जाके आप शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की दबाकर भी आप ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ आपके डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कहाँ पर है जिसमें आप जो आपको इंस्टॉल करने हैं। अब नॉर्मली आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ चाहिए तो उसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च पे क्लिक करेंगे, ये बहुत थोड़ा सा इजी बनाया हुआ है। सर्च के अंदर ये सारी जो ऐप्स हैं सब आ गई हैं। अब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको ऐप्स मिल जाएंगी। ये सर्च पे क्लिक किया, जैसे कंट्रोल पैनल पर जाना है आप लिखेंगे CONTROL कंट्रोल, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट डेल दबा, कंट्रोल ऑल्ट और डेल दबाकर भी ऑप्शन आएगा तो आप इसके अंदर देखेंगे तीन चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, लॉक स्विच यूज़र साइन आउट चेंज पासवर्ड टास्क मैनेजर। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको पावर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसमें आप क्लिक करके कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से बैक चले जाएंगे, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।